हेलो गाइस, तो गायत्री हमसे मिलने आई हैं। तो सुबह जी आ गई थी 8 बजे। हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो अभी हम ब्लॉग नहीं डाल रहे थे, पर गायत्री आ गई तो गायत्री ने बोला कि दीदी अपन ब्लॉग बनाएंगे, तो फिर हमने ब्लॉग बनाया है। देखो हम ही पकड़े हैं, गायत्री बताएंगी जो कुछ भी बताएंगी। देखो हम ही दीदी के आज कैमरामैन बने हैं, हम ही ब्लॉग आज शूट कर रहे हैं दीदी का। और हमें आज हमारे भाग इतने अच्छे, जो देखो हमने सामने अपने इंस्टाग्राम स्टार हैं, हल्के में नहीं लेना चाहिए, 1,01,00,000 फॉलोअर हैं अंजना यादव 8722 आईडी पर, 1,01,00,000, और उस पर अंजना यादव 8723 पर हैं 6,00,000। तो अपने इंस्टाग्राम स्टार बैठे हैं, हम आए थे मिलने, तबीयत खराब थी, दीदी से बात हुई, दीदी बोली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम सोचे दीदी को देख आए, तो दीदी को देखने आए थे। दीदी का तो मन नहीं था वीडियो शूट करने का, ब्लॉक व्लॉग, हम बोले चलो हम ही कैमरामैन बन जाते हैं, आप थोड़ा बहुत कुछ बोल देना, तो दीदी हिम्मत जुटा के इतना बोल दी, बहुत है आप लोगों के लिए। और मेरा नाम गायत्री यदुवंशी है, मेरी आईडी है जो इंस्टाग्राम, वो गायत्री यदुवंशी 833 है। दीदी मुझे फॉलो करती हैं, मेरा सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छी हैं, दीदी को कोई घमंड नहीं है कि मेरे 1,01,00,000 हैं। तो और मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं काफ़ी स्टारों से मिली हूँ लेकिन जैसा स्वभाव यहाँ देखने को मिला ऐसा नहीं मिला। हाँ सब लोग अच्छे से बोलते हैं पर यहाँ कुछ ज़्यादा ही स्वभाव अलग है, कोई घमंड नहीं है, सैंपल सादा। तो दीदी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और दीदी की तबीयत मतलब ठीक नहीं है तो ज़्यादा बोल नहीं रही हैं, इसके लिए आप लोग ये ना सोचिए कि ये मुंह बना के बैठी हैं मुंह बना के नहीं बैठी हैं, उनका तबीयत डिस्टर्ब है। हम बोले हम ही मुंह चलाएंगे, हम ही कैमरा चलाएंगे, हम ही सब कुछ चलाएंगे, पर वीडियो बनाना पड़ेगा, हम आ रहे हैं देखने। तो हम आए, खाना आना हम लोग खा लिए, और दीदी ऐसे ही लेटे थी, थोड़ा बहुत हम दीदी की कंघी कर दिए, देखिए सैंपल किए हैं, बाल ऐसे ही बांध दिए, और बस जैसे दीदी पर्डे में बनी रहती हैं सैंपल सादा, वही आज आप लोगों के सामने ब्लॉक में हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं, ये अपनी अंजना यादव दीदी हैं। और मेरी जो मेरा चैनल है, मैं सिंगर हूँ छोटी मोटी, दीदी को भी बहुत जल्दी जिस स्टूडियो में मैं गाती हूँ उसमें गवाने वाली हूँ, दीदी सोहर गीत गाएंगी मेरे साथ, भजन गाएंगी, और हम दीदी को सब कुछ गवाएंगे, हम आप सभी को दिखाएंगे, झांसी स्टूडियो में हम लेकर जाएंगे दीदी को, वहाँ का भी ब्लॉग हम लोग शूट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, दीदी बढ़िया भजन गाएंगी, हम लोग डुएट गाएंगे, प्यारी हाँ। प्यारी वीडियो देखने के मिले, देखने के लिए मिलेगी, हम लोग शूट खुद हम लोग ही करेंगे अपने हाँ। गीतों का और गाएंगे। तो गायत्री यदुवंशी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, उस पर हम लोगों के हमारे और दीदी के गीत छूटेंगे। और अंजना यादव ब्लॉग दीदी का चैनल है, 4,00,000 उस पर सब्सक्राइबर हैं, उसको आप लोग फॉलो करिए। और हाँ एक जरूरी बात है कि जो फेसबुक आईडी एक दीदी के नाम से बनी है जिस पर 4,00,000 फॉलोअर हैं, वो दीदी की आईडी नहीं है, उस पर लोग गंदी गंदी वीडियो डालते हैं। मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग का यही आज मोस्ट मतलब बात है कि मैं ब्लॉग इसलिए आज बना रही हूँ दीदी के मोबाइल से कि मुझे समझाना है, दीदी तो इतना ज़्यादा बोलती नहीं है आप लोगों के सामने, और बहू हैं यहाँ की, तो मतलब सास ससुर सब लोग रहते हैं तो दीदी उतना नहीं बोलती हैं, आप लोग जानते हैं शादीशुदा इंसान कितने मतलब पाबंदियों के अंदर रहता है, तो दीदी इतना बोल नहीं पाती, पर दीदी को चाहे सोचिए दीदी ही बोल रही हैं। भैया जो गंदी गंदी वीडियो दीदी के नाम से आईडी बना के डालते हो ना, ऐसा मत डालिए, अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके सपोर्ट करने वाले जितने हैं ना वो आप खुद जानते हैं, तो ऐसा ना करिए। और दीदी के नाम से जो फेक आईडी हो उसको मत फॉलो करिए, हम लोग खुद लाइव आएंगे या वीडियो डालेंगे तो दीदी की जो पर्सनल आईडी है फेसबुक पर वो बता देंगे, और है वो दीदी की पेज नहीं बना है अभी, दीदी का सिर्फ मतलब प्रोफाइल बनी है, तो दीदी उस पर वीडियो डालेंगी, अब अभी तक काम स्टार्ट नहीं की थी, अब करेंगी, तो उस पर आप लोग दीदी को फॉलो करिए, दीदी की फेसबुक आईडी को। और मेरी आईडी है जो फेसबुक ओ गायत्री यदुवंशी करके है, जो मेरी डीपी इंस्टा पर लगी है वही चैनल पर लगी है, गायत्री यदुवंशी चैनल पर वही मेरी गायत्री यदुवंशी 833 आईडी इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, उस पर ही वही फोटो लगी है, वही मेरी फेसबुक पे लगी है, तो आप लोग फॉलो करिए सभी को, और हम लोगों का सपोर्ट करिए, हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्यारी प्यारी वीडियो लाने वाले हैं, गीत
ब्लॉग, वीडियो, रील सब कुछ हम लोगों की आने वाली हैं। और दीदी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। आज दीदी की तबीयत खराब है तो ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं करेंगे, पर हल्की फुल्की रीलें हम लोग शूट किए हैं। हाँ। और ये ब्लॉग छोड़ दिए, आज छोड़ेंगे दीदी, आज नहीं तो कल छोड़ेंगे। तो हम लोगों का सपोर्ट करिए, गायत्री यदुवंशी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मेरा पर्सनल चैनल है। और गायत्री यदुवंशी 833 मैं बता रही हूँ, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, 2 लाख फॉलोअर होने वाले हैं उस पर। दीदी मेरा सपोर्ट करती हैं, सब लोग आप लोग सपोर्ट करते हैं, और भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए ताकि जैसे और लड़कियाँ आगे बढ़ी अपने माँ बाप को कुछ करके दिखा पाएं, हम लोग भी ऐसे कुछ कर पाएं और आप लोगों को दिखा पाएं। बस यही मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। और ये अपने इंस्टाग्राम स्टार आज बीमार हैं तो इनको इतना सपोर्ट करिए कि ये बीमार ना रहें, हरदम खुश एकदम मुस्कुराते रहें और प्यारी प्यारी वीडियो आप लोगों के बीच में पड़ोसते रहें, ठीक है? हाँ, तो अब आज तक का यही लास्ट ब्लॉग, अब हम लोग मिलते रहेंगे, प्यारी प्यारी वीडियो शूट करेंगे, गीत गाएंगे, हम बहुत जल्दी सिंगर बनाने वाले हैं इनको। अभी तो आप लोग एक्टर के रूप में देखते हैं, लेकिन अब सिंगर के रूप में कान में म्यूजिकल माइक ये सब देखेंगे रील के माध्यम से। माहिर बुंदेली म्यूजिक स्टूडियो है जो झांसी का, हम उसमें बहुत जल्दी ले जाने वाले हैं और दोनों लोग डुएट गीत गाएंगे देवरानी जिठानी बनके, एकदम प्यारे प्यारे मनोरंजन करवाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, बहुत जल्दी मिलने आएंगे। और स्वभाव अच्छा लगा तो चाहे जब आ जाएंगे तो आप कुछ बोलना है? नहीं, कुछ भी नहीं बोला। अभी बीमार है, अगली में बुलवाएंगे कुछ दिखाएंगे। तो तब तक नहीं है आज हमारी, आप सभी लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट करो, बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। बाय बाय। वीडियो शेयर करो, लाइक करो। और भैया आप जो पहले चैनल चल रहे थे अब नहीं चल रहे हैं वैसे। हाँ, और मैं तो बिना स्टैंड का ब्लॉग बना रही हूँ, तो ये मेरा हाथ जो स्टैंड है ना, ये एकदम समझिए कि मर गया है तो अब आज तक का यही लास्ट ब्लॉग, अब मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, रीलों के माध्यम से। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय सभी को, थैंक यू।